जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, बड़े दुख के साथ आज हम बात करेंगे उस वायुवीर की जो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। इकलौता बेटा स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी, जो पंजाब के मोगा जिले में MiG-21 क्रैश में शहीद हो गया। लेकिन दोस्तों, मैं कहता हूँ उसकी जान लिए भारत सरकार ने, इसमें जरा भी संदेह नहीं कि स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी की हत्या हुई है और उस हत्या की जिम्मेदार है सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार। दोस्तों, 1963 में जब मिग सीरीज के एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में सम्मिलित हुए थे, तब से लेकर अब तक 180 हमारे पायलट, जाबाज पायलट इसकी भेंट चढ़ चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, जहां जहां पर ये क्रैश हुआ है वहां पर 40 आम नागरिक भी इसकी भेंट चढ़ चुके हैं। दोस्तों, मिग सीरीज के इस एयरक्राफ्ट को इसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की खामियों के कारण फ्लाइंग कॉफिन कहते हैं, यानी हवा में उड़ता हुआ ताबूत। उसके बावजूद भी भारत सरकार अपने जवानों को, अपने पायलटों को इस उड़ते हुए ताबूत में चलने के लिए मजबूर करती है। क्यों? क्या वो किसी के बेटे नहीं? क्या उनके बीवी बच्चे नहीं? क्या उनकी जिंदगी की कोई कदर नहीं? दोस्तों, इतनी संवेदनशील, गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है सरकार? देशभक्ति का गुणगान करने वाले, देशभक्त जवानों की शौर्य गाथा पर राज करने वाले, देश पर जान न्यौछावर करने वाले जवानों को मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? दोस्तों, मिग सीरीज के एयरक्राफ्ट्स को हटा नहीं देना चाहिए क्या? अभिनव चौधरी जैसे और वायुवीरों की अभी बलि लेना बाकी है क्या? इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट, जिस पर सरकार 20,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। अरे, एक नहीं, ऐसे हजारों प्रोजेक्ट चलाइए, लेकिन वायुवीरों की बलि देकर नहीं। जवानों की सुरक्षा प्रदान करना पहले बहुत ही निहायत जरूरी है, उसके बाद आप कुछ भी करिए, कौन रोक रहा है आपको? पहले मिग सीरीज के एयरक्राफ्ट को सेना से बाहर कीजिए, जैसा कि स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी के पिताजी ने सरकार से हाथ जोड़कर विनती की है कि मैंने अपना बेटा खोया है, मैं चाहता हूं दूसरों के किसी के और बेटे अब ना बलि चढ़ें, इसलिए मिग सीरीज को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, उसको सेना से बाहर कर देना चाहिए। दोस्तों, अंत में मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी की आत्मा को शांति मिले और इस दुख भरी, मुसीबत भरी घड़ी में उनके परिवार को हिम्मत दें उसको फेस करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।